नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। विधानसभा चौबट्टा खाल में दो दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार सुबह विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत जूनीसेरा बासई मोटर मार्ग के डामरीकरण का लोकार्पण किया। इसके साथ कोटा महादेव महोत्सव के समापन के अवसर पर प्रतिभाग किया। इसके उपरांत गुरुवार शाम नगर पंचायत सतपुली में पहुंचकर पर्यटन विभाग के होम स्टे एवं फिशरीज सेंटर का लोकार्पण किया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को कंप्यूटर भी वितरित किए। साथ ही नगर पंचायत सतपुली में निर्माणाधीन बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं कार पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापरक कार्य करते हुए जल्द से जल्द निर्माण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नयार घाटी क्षेत्र पर्यटन के लिए अनुकूल है, जिसके तहत पर्यटन विभाग द्वारा सतपुली में होम स्टे एवं फिशरीज सेंटर बनाया जा रहा है। आज पर्यटकों के लिए वो समर्पित किया गया है। वहीं कहा कि सतपुली से जाने वाले कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के रास्ते में रोड़ा बना सिंगटाली पुल का निर्माण भी तुरंत हो जाएगा, जिससे कि देहरादून यात्री पहुँचेगा और सतपुली में पर्यटन बढ़ेगा। वहीं साथ ही पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए कंप्यूटर वितरित किए गए हैं। वहीं पंचायतों में पंचायत भवन, स्वच्छता के लिए कूड़ादान आदि वितरित किए जा रहे हैं, जिससे कि ग्राम सशक्त बन सके। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा प्रीति देवी, बद्री केदार समिति सदस्य पुष्कर जोशी, नगर पंचायत अध्यक्ष अंजना वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सतपुली सुरेंद्र सिंह बिष्ट, एकेश्वर गणेश रावत, भाजपा नेता वेद प्रकाश वर्मा, बिरजमोहन सिंह रावत, जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री, युवा नेता अंकित ठाकुर सहित अधिकारी, ग्राम प्रधान व स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।